इंद्री में ब्लॉक स्तरीय फिट इंडिया रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में विधायक राम कुमार कश्यप ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। उन्होंने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नेहरू युवा केंद्र ब्लॉक के राष्ट्रीय युवा स्वयं सेवक व यूनाइटेड स्पोर्ट्स अकेडमी की फिट इंडिया साइकिल मैराथन में ब्लॉक स्तर से 100 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। विधायक ने कहा कि मैराथन को करवाने का उद्देश्य देश के सभी युवाओं को फिट रखना है और साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाना है। उन्होंने कहा कि हमें अपने आसपास के कार्य के लिए साइकिल का प्रयोग करना चाहिए, इससे रोड एक्सीडेंट होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी, जिससे हमें स्वस्थ पर्यावरण व अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारे भारत उसके नागरिकों को स्वस्थ रहने के लिए एक फिट इंडिया का नारा दिया है। उस कड़ी में आज सारे हरियाणा में एक साइकिल जागरूकता रैली निकाली जा रही है और आज इंद्री में नेहरू केंद्र युवा संगठन की तरफ से अभी आप देख रहे थे बच्चों ने जो है जागरूकता रैली फिट इंडिया के लिए निकाली है, तो एक संदेश जाएगा इससे भी। देखिएगा आज जो हम हैं सारे व्यस्त हैं, आज हमारी दिनचर्या भी डिस्टर्ब हो गई, आज हमारा स्वास्थ्य तो हमारी हवा दूषित हो गई है, हमारा खान पीन दूषित हो गया है, जिस वजह से हमारा जो है स्वास्थ्य को बड़ा प्रभावित कर रही है चीज़ें। आज छोटी छोटी उम्र में जो है डायबिटीज़ की बीपी के कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, तो मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं इसके लिए जागरूकता की जरूरत है, हमें इससे बचना है। इससे बचने के लिए माननीय प्रधानमंत्री चिंता करिए देश के स्वास्थ्य की, इसलिए उन्होंने फिट इंडिया के नारा दिया है और उसको लागू लाने के लिए हमें सभी की यह जिम्मेदारी बन जाती है। हम जनता को जागरूक करें, हम स्वस्थ रहें, तो हमें साइकिल पर चलना चाहिए, हमें पैदल चलना चाहिए। जो ये मतलब हम गाड़ियों में चलते हैं, ये इससे क्या होता है, एक तो हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है, क्योंकि उससे डीजल चलता है, हर एक हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। पहले क्या था, हम पैदल चलते थे, साइकिल पे चलना भी पहले एक लग्जरी माना जाता था, परंतु आज हमने साइकिल चलना छोड़ दिया, पैदल चलना छोड़ दिया, क्योंकि आराम फ्रस्त हो गया, जो हमारे देश के लिए चिंता का विषय है, इससे स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। इसलिए देश हम सभी नागरिकों को फिट रहने के लिए फिट इंडिया का नारा दिया गया है, इससे हम स्वास्थ्य को बचा सकते हैं। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी जा करके हम देश की रक्षा कर पाएंगे, देश को बचा पाएंगे, देश के लिए काम कर पाएंगे। अगर हम स्वस्थ ही नहीं होंगे ना हम कुछ कर पाएंगे, ना अपने लिए कर पाएंगे, ना अपने परिवार के लिए, ना अपना देश के लिए, प्रदेश के लिए, तो देश के हित में नहीं होगा। इसलिए सभी को फिट रहने के लिए प्रधानमंत्री जो नारा दिया है उसको जागरूकता लाने के लिए उसके जागरूकता की जरूरत है। उसी कड़ी में आज इंद्री से जो है नेहरू केंद्र युवा करनाल की तरफ से एक अच्छी रैली निकाली गई है। इंद्री द्वारा हरियाणा राज्य की जो फिट इंडिया के तहत साइकिल रैली थी उसका उद्घाटन किया गया। हरियाणा राज्य के 19 जनपदों के में लगभग 120 विकास खंडों में ये साइकिल यात्रा चलेगी। इसके साथ साथ जहां पर गाँव में हमारे सक्रिय युवा मंडल हैं वो भी साइकिल यात्रा के माध्यम से जो केंद्रीय सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्वस्थ भारत का फिट इंडिया उसको जागरूक करने के लिए साइकिल यात्रा चला रहे हैं। और ये मात्र आज ही साइकिल यात्रा नहीं, इससे एक युवाओं में विशेषकर युवाओं में और हमारे प्रांत के सभी नागरिकों में साइकिल के प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि वो साइकिल का प्रयोग करें, स्वस्थ रहें। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा और जो स्वस्थ तो रहेगा ही, इसके साथ साथ हम एक ऊंचे आयाम ग्रहण करेंगे, हम प्रगति करेंगे, चाहे कृषि का क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे हमारे सेल्फ रोजगार का क्षेत्र, यानी कि हर क्षेत्र में यदि हमारा स्वस्थ शरीर होगा हम प्रगति करेंगे, यही इस कार्य का लक्ष्य है। आज न्यूज़ के लिए इंद्री से ब्यूरो रिपोर्ट। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखी गई वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।